हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद साजिद, टीचर ऑफ इंग्लिश, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद साजिद। गाइस, यू नो वी हैव बीन डिस्कसिंग द टेंसेस फॉर द लास्ट 12 क्लासेस। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली 12 क्लासेस से हम टेंस को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने टेंस को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से डिस्कस किया था, फिर हमने उसका लेवल बढ़ाया, फिर हम उसके यूजेस की बात करने लगे। यूजेस में भी हमने सिर्फ बात की थी प्रेजेंट टेंस की, कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रेजेंट टेंस में आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन टेंसेस का हमने जिक्र कर लिया है कि इन टेंसेस का यूज़ कहाँ किया जाता है, कब हमें इनमें से किस टेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। तो इन चारों टेंस को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट टेंस। आज हम पास्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कब हमें पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है। पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज से हम इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। वर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं, एगो, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन। लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन का मतलब होता है लास्ट सेकंड, लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और लास्ट डिकेड या फिर लास्ट सेंचुरी। हमेशा लास्ट प्लस कोई टाइम एक्सप्रेशन हो तब उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, द अदर प्लस डे ऑब्लिक वीक ऑब्लिक मंथ ईयर, कुछ भी हो सकता है। द अदर के बाद अगर कोई डे है, वीक है या फिर मंथ हो या फिर ईयर हो या डिकेड हो या सेंचुरी हो, तब हम ऐसी कंडीशन में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम प्लस बैक, पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर बैक लिखा हुआ है तब हम इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 days back, 3 days back, 2 months back, 5 years back, 2 centuries back, इन सब के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। पास्ट ईयर्स विद पास्ट ईयर्स, जितनी भी पास्ट ईयर्स होती हैं, पास्ट ईयर्स मीन्स जो सन निकल चुकी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1997, 1999, 2001, 2010, 2014, 2019 एक्सेट्रा, जितनी भी सन जो गुजर चुकी है उन सब के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर्मरली, एक शब्द होता है फॉर्मरली जिसके साथ में भी हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ किया जाता है, अगर वो किसी टाइम के रिफरेंस में यूज़ किया जाए तब। फॉर एग्जांपल आई डिड इट लास्ट नाइट, मैंने इस काम को पिछली रात में कर लिया था। तो यहाँ जो लास्ट नाइट जो वर्ड है वो मॉडिफाई कर रहा है डिड को, क्योंकि कोई काम किया गया था वो पिछली रात में किया गया था, तो किसी काम के करने को मॉडिफाई कर रहा है कि कोई काम कब किया गया था, इस बात को लास्ट नाइट बता रहा है कि कोई काम पिछली रात में किया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल, आई रिटर्न टू मुरैना 11 months back, मैं मुरैना में वापस आया था, 11 महीने हो गए उस बात को। तो यहाँ जो 11 months back लगा है ये किस बात को बता रहा है, मेरे मुरैना वापस आने को बता रहा है, रिटर्न्ड को बता रहा है कि रिटर्न कब हुआ था। तो जब ये एडवर्ब, कोई ऐसी एडवर्ब आती हैं जो किसी पास्ट की घटना को बताती हैं कि कोई घटना जो घटी थी, कोई काम हुआ था वो पास्ट में हुआ था, तब हम ऐसी कंडीशन में उन एडवर्ब्स के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू डन द वर्क विच वॉज गिवन यस्टरडी, यहाँ 2 sentences हैं। पहला सेंटेंस है हैव यू डन द वर्क, दूसरा सेंटेंस है विच वॉज गिवन यस्टरडी। तो यहाँ 2 tenses का यूज़ किया गया है, पहला टेंस ये है जो पहले सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दूसरे सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हुआ है वो पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन मैंने तो ये कहा है कि जहाँ यस्टरडे देखिए वहाँ पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ किया करो। जी हाँ, सही है, लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ जो यस्टरडे लिखा है वो किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, डन को या गिवन को। तो यहाँ जो यस्टरडे का संबंध है वो काम के देने का संबंध है कि काम कब दिया गया था, काम कल दिया गया था।
तो देने को वो बता रहा है कि काम कल दिया गया था, पिछले दिन दिया गया था। तो हमें यस्टरडे वाले सेंटेंस के साथ में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना होगा। बाकी जो सेंटेंस है उसमें किसी भी से टेंस का यूज़ किया गया हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सही है अपनी जगह। तो यहाँ जो सेंटेंस है विच वॉज गिवन यस्टरडे, जो गिवन लिखा है गिवन को बता रहा है यस्टरडे कि कोई काम दिया गया था, वो यस्टरडे दिया गया, कल दिया गया था, बीते हुए कल। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा है हैव यू डन द वर्क विच वॉज गिवन यस्टरडे, ये सही है। इस सेंटेंस में एक परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ, एक सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हुआ है उसमें यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे बता रहा है किसी काम को देने का कि कब कोई काम दिया गया था। नेक्स्ट एग्जांपल, आई विजिटेड हैदराबाद 2 days ago, मैं 2 दिन पहले हैदराबाद गया था। तो यहाँ जो 2 days ago लिखा है ये पिछले 2 दिन की बात कर रहा है, पूर्व के 2 दिन। तो जो 2 दिन निकल चुके तो बात पास्ट की हो गई, तब हम ऐसी कंडीशन में पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले रूल की, जब हमें किसी पास्ट के ऑनगोइंग एक्शन को व्यक्त करना हो तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करना हो जो पास्ट में जारी अवस्था में हो, लगातार हो रहा हो, तब हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर उस पास्ट के ऑनगोइंग एक्शन के होने के दौरान कोई बीच में घटना घट जाए तब हम उस घटना को इंटरप्टेड एक्शन कहते हैं, और उस इंटरप्टेड एक्शन को पास्ट सिंपल टेंस में व्यक्त किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं बाइक चला रहा था तब मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। अब यहाँ 2 काम हो रहे हैं, पहला काम यह है कि मैं बाइक चला रहा था, तो बाइक चलाना मेरा क्या था, एक पास्ट में एक ऑनगोइंग एक्शन था जो जारी अवस्था में था, लगातार हो रहा था। दूसरा इवेंट क्या था उसमें, दूसरी घटना यह थी कि मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, तो वो अचानक से घटी है, वो ऑनगोइंग नहीं थी, वो जारी अवस्था में नहीं थी, वो एक पॉइंट था जहाँ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। तो जब किसी ने मुझे आवाज़ लगाई ये एक इंटरप्टेड एक्शन है जिसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन शी वॉज हैविंग अ सिगरेट हर फादर कॉट हर, जब वो सिगरेट पी रही थी तब उसके पापा ने उसे पकड़ा था। तो सिगरेट पीना उसका एक ऑनगोइंग एक्शन था, लगातार हो रहा था, जारी अवस्था में था। बीच में एक घटना घट गई, घटना क्या घटी कि उसके पापा ने उसे पकड़ लिया, तो ये बीच में एक इंटरप्टेड एक्शन था। तो इंटरप्टेड एक्शन को हम सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं, और जो ऑनगोइंग एक्शन होता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। दोनों ही पास्ट के इवेंट हैं, दोनों ही पास्ट की घटना हैं, लेकिन एक ऑनगोइंग एक्शन थी, जारी अवस्था में थी, जो काम लगातार हो रहा था। दूसरा जो एक्शन था, दूसरी जो घटना थी, वो बीच में अचानक से घटी, तब हम उसको, एक को हम पास्ट कंटिन्यूअस में, दूसरे को हम जो बीच में घटी है उसको पास्ट सिंपल टेंस में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इट वॉज रेनिंग व्हेन समवन मेट विद एक्सीडेंट, बारिश हो रही थी जब किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तो बारिश होना क्या था, पास्ट में एक कंटिन्यूअस एक्शन था जो लगातार हो रहा था, ऑनगोइंग एक्शन था। बीच में एक घटना घट गई, घटना क्या घटी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो किसी का एक्सीडेंट हो जाना वो एक इंटरप्टेड एक्शन कहलाएगा, क्योंकि इससे पहले एक एक्शन लगातार हो रहा था, वो एक्शन था बारिश का होना। बारिश लगातार हो रही थी, वो एक जारी एक्शन था, लगातार हो रहा था। बीच में अचानक से एक घटना घट गई, घटना ये घटी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो जाना एक इंटरप्टेड एक्शन कहलाएगा जिसको हमें पास्ट सिंपल टेंस में व्यक्त करना होता है। तो जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है पास्ट में उसको पास्ट कंटिन्यूअस में व्यक्त किया जाता है, बीच में अचानक से कोई घटना घट जाती है तो उसको इंटरप्टेड एक्शन कहा जाता है, और इंटरप्टेड एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।